मैं बोल देता हूँ, आप लोग सवाल द्रव्य मुर्मू से बात हुई नहीं? अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये आप लोग कहते क्यों नहीं है सर? आपकी उम्मीद सर हम भी नहीं, आप कहते क्यों नहीं है? आप इस बात को किसी मीडिया ने कहीं उठाया नहीं? खाली हम ही एक है जो अवेलेबल हैं, तो सब लोग हमें से बात करने आ रहे हैं। लेकिन खैर, मुझे खुशी है कि आज के दिन आप लोग यहाँ पर आए, मेरे उम्मीदवारी के बारे में बात करने के लिए। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है, मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है को अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, आपको लगता है कि आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि अंतरात्मा की आवाज सुनेगा? पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ कि सर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनके तरफ से जो एनडीए का जो कैंडिडेट है वही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो कैसे फिर करने की जरूरत क्या है चुनाव? बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो डिक्लेयर कर दे, चुनाव कराने की जरूरत ही बेकार, दिन भर बर्बाद हो रहा है। सर, आप जिनसे उम्मीद कर रहे थे वो भी अब द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, शिवसेना, जेएमएम, ऐसी मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं, लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डाले, और पैसे का भी खेल हो रहा है। सर, क्या आप आज जाएंगे इस विटनेस करने के लिए? सर, आप पार्लियामेंट जा रहे हैं आज? सर, पार्लियामेंट जा रहे हैं? मनसिन्हा, फॉर्मर बीजेपी लीडर, इज द कैंडिडेट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड, दैट वॉज इन 1977. He was proposed by Morarji Desai and supported by Indira Gandhi, who was then in opposition. Couldn't we have seen repeat of that this time around? That is the big question that I ask. And that